Hello friends, in today's video we will discuss about the interesting part of our body, human digestive system. The human digestive system is made up of several organs which combinedly called as alimentary canal in human. This alimentary canal is about 7 to 8 meter long and which is responsible for the complete process of ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Here we have figure of human digestive system. This figure shows the different part of human digestive system. The first part is mouth or oral cavity. It is made up of tongue and teeth. Then we can see a pipe-like structure which is known as esophagus or food pipe. The food pipe ends into muscular J-shaped structure which is known as stomach. Stomach further leads to small intestine, large intestine. Large intestine is end up with anus. This is all about the diagram of digestive system. Digestive system also includes several accessory organs such as salivary gland, liver, pancreas, etc. Everyone, we will going to discuss about each and every part of alimentary canal. First, we will talk about mouth. Mouth जो है वो alimentary canal का first part है. Mouth में food enter करता है और mouth में दो चीजें होती है for the mixing of food. सबसे पहला teeth and second tongue. Now teeth are hard structure present in upper and lower jaws. They are used for grinding, cutting and chewing the food. Tongue is also play an important role for the digestion of food. Tongue is basically muscular sensory organ. It mix the food with saliva and also helpful in producing speech. After mixing of food with saliva, food is traveled to esophagus via pharynx. Esophagus jo hai, wo ek thin लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो खाने को आगे स्टमक तक ले जाएगी वाया द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. हमारी एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स रिदमिक मोशन में मूवमेंट दिखाते हैं जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो आसानी से आगे की तरफ प्रोपेल हो पाता है, आगे की तरफ बढ़ पाता है. यही मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है. ईसोफेगस से जब खाना आगे बढ़ेगा और वो खाने को स्टमक के अंदर एम्प्टी करेगा. अब स्टमक जो है वो एक जे शेप पार्ट है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में वो होता है. ठीक है, स्टमक जो है वो हमारे खाने के लिए एक स्टोर हाउस की तरह वर्क करता है. यहाँ पे खाने का पार्शियल डाइजेशन होता है. स्टमक की वॉल से बेसिकली ग्रेस्टिक जूसेस निकलते हैं. दिस ग्रेस्टिक जूसेस मिक्स विद द फूड and digest is it partially. Stomach के अंदर जो gastric gland है वो तीन तरह के secretion release करती है. 1. HCl 2. Pepsin 3. Mucus. पहले हम बात करेंगे about HCl. HCl is hydrochloric acid. Stomach की जो wall होगी वो hydrochloric acid secrete करती है. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मेनली दो रोल होते हैं. नंबर वन, वो खाने में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसे मार देंगे. एंड नंबर टू, वो स्टमक का एनवायरनमेंट जो होगा उसे एसिडिक कर देंगे. स्टमक के मीडियम की पीएच एसिडिक हो जाए. अब ये एसिडिक पीएच होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन एसिडिक पीएच ओनली स्टमक में पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होगा और वो हमारे खाने में जो भी प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होगा उसे क्लीव करने में हेल्प करेगा. और थर्ड जो है सिक्रीशन वो है म्यूकस. अब म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है ताकि एसिडिक एनवायरनमेंट HCl जो प्रोड्यूस होगा और वो जो एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेगा उससे स्टमक की वॉल को कोई हार्म ना हो. स्टमक के अंदर खाने के पार्शियल डाइजेशन के बाद फूड आगे प्रोपेल करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तब तीन सिक्रीशन खाने के साथ मिक्स होंगे. फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम इंटेस्टिनल ग्लैंड, टू
secretion for liver, 3 secretion from pancreas. अब लीवर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. वो सिक्रीट करता है बाइल जूस. बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होने के बाद थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहेंगे इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो थोड़े टाइम के लिए बाइल जूस को स्टोर करके रखेगा. फ्रॉम देयर बाइल जूस इज एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो बाइल जूस है उसका काम होगा कि हमारे खाने में जो भी लार्ज फैट मोलिक्यूल है उसको वो कन्वर्ट कर देगा इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल. टू जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है वो इंटेस्टाइन की वॉल से सिक्रीट होंगे. वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करेंगे. अब ये इंटेस्टिनल जूस में अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम्स होंगे. अमाइलोलाइटिक एंजाइम फूड में कार्बोहाइड्रेट कंटेन को पूरी तरह से क्लीव करेंगे. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फूड में प्रोटीन को क्लीव करेंगे इनटू अमाइनो एसिड. एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम खाने के फैट को क्लीव करेंगे 3 पैनक्रियाटिक जूस. अब ये पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं. पैनक्रियास से सिक्रीट होने के बाद वो वाया पैनक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं. अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को क्लीव करेंगे. ट्रिप्सिन जो होगा वो प्रोटीन को क्लीव करेगा. और लाइपेज जो होंगे वो लिपिड को क्लीव करेंगे. इस तरह से खाने का कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म होगा इनसाइड द इंटेस्टाइन. आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड खाना जो होगा वो इंटेस्टिनल वॉल से अब्जॉर्ब होगा. अब इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी वो विलाई शेप में होगी जिससे खाने अब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा. अब्जॉर्ब फूड जो होगा वो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड में जाएगा. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट आर मेनली अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बट द फैट कंटेन इट अब्जॉर्ब इन लैक्टियल्स. Lacteals are small lymph capillary found in the villi of the small intestine. Lacteals जो है वो small capillary है जो villi की wall में पाई जाती है जिसका main function होता है fat को absorb करना. Absorption के बाद next जो step होगा वो होगा assimilation. अब जो खाना absorb हो चुका है वो blood में जाएगा. Through blood वो body के हर एक cell में पहुँचेगा और वहाँ पे वो absorb food utilize होगा to obtain energy. ये process को हम बोलेंगे assimilation. Assimilation के बाद होगा egestion. Egestion is the elimination of undigested food from the colon of the large intestine through anus is called egestion. Egestion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अब बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर थ्रू एनस निकलेगा. अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा. लार्ज इंटेस्टाइन में सब फर्स्ट ऑफ ऑल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा. बचा हुआ पानी और आयन वापस से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाएंगे और बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. Or from there only it is removed from the body through anus. This is all about the process human digestive system. Hope you understand all the process. Please like the video, share the video and subscribe it.